असफर अहसन साहब, साबिक वजीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो इस वक्त इकोनॉमिक के एक सिचुएशन हम देख रहे हैं, और फिर इसको अगर हम कनेक्ट करें ज़रा इन्वेस्टमेंट के साथ भी, तो सऊदी अरब और यूएई से कुछ कमिटमेंट्स तो हुई लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी है। ओवरऑल क्या क्लाइमेट आप देख रहे हैं, अगले चंद माह में ये इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान? अगर आएगी तो क्या चेंजेस आ सकती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में? सबसे पहले आपको शुक्रिया मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने का। जो पाकिस्तान की इस वक्त इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल जो हमारी एफडीआई इनफ्लो है वो अराउंड 1.8 to 1.9 बिलियन डॉलर। लास्ट ईयर ये 1.76 बिलियन डॉलर थी, और उसके लास्ट ईयर ये 2.1 बिलियन डॉलर थी। लास्ट 24 ईयर्स में हमने 48 बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किए। इसका मतलब ये कि पर एनम हमने 2 बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो ये जो 2 बिलियन डॉलर के अराउंड या 1.8-1.9 है, ये बहुत कम एफडीआई है। और ये जो एफडीआई होती है, बेसिकली ये एक मिरर होता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और जिसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं। तो प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान में आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं किसी एक गवर्नमेंट को इस पर रिस्पॉन्सिबल करार नहीं देता, बल्कि जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं सबने एडहॉकिज्म और फायर फाइटिंग के मोड में काम किया है। किसी ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया इन्वेस्टमेंट की। टिल टुडे देयर इज नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर दिस कंट्री। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स अवेलेबल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस अवेलेबल, लेकिन हमने कोई स्ट्रैटेजी कंट्री की नहीं बनाई जो अगले 20-25 साल की हो, जहां हम इस पोजिशन पे आ सके आफ्टर सम टाइम कि हम 8-10 साल 12 साल की कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी गारंटी कर सके इन्वेस्टर्स को या उन कंट्रीज को जो पाकिस्तान। सर, जो आप ये बात कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट, जिसमें आप भी मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, आई सर्व फॉर 6 मंथ्स ऑनली ना, तो उस गवर्नमेंट में भी एडहॉकिज्म था, उस गवर्नमेंट में भी एक फायर फाइटिंग मोड था, उससे पहले गवर्नमेंट में भी ऐसे ही था, उसके बाद पीडीएम वन में भी ऐसे ही था। केयर टेकर तो सर होती 5 महीने की थी, और उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है ये शुरू ही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो किबला काबा है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तरफ नजर नहीं आ रहा। जो फंडामेंटल्स हैं उनको आपने सही करना है। आपने इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप अगर काम करेंगे तो फाउंडेशन को आपने बिल्ड करना है। हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी फायर फाइटिंग मोड पर काम कर रहे हैं। तो एक तो बात यह है सही। दूसरा, सऊदी अरेबिया इज माई प्रोजेक्ट। मैं जब गवर्नमेंट में था तब भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। आई एम स्टिल वेरी क्लोजली वर्किंग विद सऊदी लीडरशिप एट द हाइएस्ट लेवल, और मैं ये समझता हूँ कि कुछ एक दो G2G G2B पे काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो चीजें मटीरियलाइज हो जाएंगी। लॉन्ग ओवरड्यू है, हमने टाइम वेस्ट किया है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर सम टाइम वो मटीरियलाइज हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन जो B2B की हम बात करते हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए, मैं कोई बहुत हौसला अफजा चीज नहीं देख रहा, बिकॉज के जो इनफिशेंसी है और जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमारी साइड से है। सऊदीज आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान लाइक दे आर डूइंग इन अदर कंट्रीज। दे आर एक्वायरिंग मेजर शेयर होल्डिंग ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेशन, दे आर इन्वेस्टिंग इन कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, जहां 4.5 साल में उन्होंने 21 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। पाकिस्तान में कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुए? एक छोटी डील अभी शेल की हुई है जो एक कंपनी ने वहां से एक्वायर किया है, बाकी कुछ चीजें और हुई हैं, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो वहां से हो सकता है एफडीआई का सऊदी अरेबिया से, या हम यूएई की बात करते हैं या हम कतर की बात करते हैं, तो दावे तो बहुत हैं। पहले 25 बिलियन डॉलर की बात हुई लेकिन एक भी पैसा मटीरियलाइज नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ इस वजह से है कि हम अपनी फाउंडेशन को सही नहीं कर रहे, हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बनाते चले जा रहे हैं, और जो इस वक्त आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो रियल प्रॉब्लम में है, वो रियल ट्रबल में है। तो जिस तरह से हमने टैक्सेशन पे यहाँ पे काम किया है, जिस तरह हमने सैलरी क्लास को परेशान किया है, ये वो तमाम मेजर्स हैं जिससे एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है, और सिचुएशन जो ग्राउंड रियलिटी पे है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। एज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वी शुड अवॉइड द रोजी पिक्चर, वी शुड बी रियलिस्टिक एंड वी शुड अंडरस्टैंड द पिक्चर इन ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमारी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। ठीक है। और उसमें वो मेजर्स लेने चाहिए जिनकी जरूरत है। मिनिस्ट्रीज जितनी है, जितने पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, इनकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी इंगेजमेंट होनी चाहिए, और ये कोलैबोरेटिव एनवायरमेंट होना चाहिए बिटवीन द सिविल ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर,
एंड द मिलिट्री एज वेल। और असद साहब, जो रीस्ट्रक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं, जिन रिफॉर्म्स की आप बात करें, क्या ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसका कोई कनेक्शन है आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ? अगर ये प्रोग्राम डन हो जाता है, डील हो जाती है पाकिस्तान की, तो फिर क्या ये ममालिक तमाम जो कि पहले पाकिस्तान के दोस्त हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, तो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो डील हो जाए फिर हम इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको रेडी प्रोजेक्ट दें और यहाँ जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसको सही करें और यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। हम सऊदी अरब की जब बात करते हैं तो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, वो इज एक्चुअली माई फेवरेट लीडर ऑल्सो, वो इस वक्त पाकिस्तान के 6th प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं इन लास्ट 7 ईयर्स। दुनिया की किस कंट्री में वो 6th प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप हर 6 महीने में एक सेक्रेटरी को तब्दील कर देते हैं, लास्ट 10 सालों में आपने 12 FBR चेयरमैन अपॉइंट किए, 10 सालों में आपने 10 फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस अपॉइंट किए, 10 सालों में आपने 7 चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉइंट किए, तो कंटिन्यूटी का तो आपका ये हाल है। तो मैं अगेन ये बात किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की, आज की या पिछली गवर्नमेंट की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान हमारा करेक्टर क्या, हमारी प्रैक्टिस क्या है। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान पे कि हमारा पोटेंशियल बहुत है, हर हर सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाउंडेशन को सही करना होगा, हमें इसमें वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने होंगे जिनकी जरूरत है। फिर आप टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन आप ना रिटेल पे लगाते हैं ना एग्रीकल्चर पे लगाते हैं, आप उसी पे टैक्स लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, तो इससे एक बहुत नेगेटिविटी पाकिस्तान में क्रिएट हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इन इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करें और आप जो मेजर्स आपने लेने हैं, जो इंडक्शन आपने कॉम्पिटेंट टीम्स की करनी है, आप वो करें, एक कंट्री का एक पैकेज बनाएं, उस पैकेज के हिसाब से काम करें, वो पैकेज मिसिंग है, बाकी कंट्रीज पैकेज पे काम कर रही हैं। जो मैंने उज़्बेकिस्तान की आपको एग्जाम्पल दी, उन्होंने एक पैकेज बनाया और उस पर बारी बारी करते करते आज की तारीख में $21 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान जो 25 करोड़ की कंट्री है, वो बहुत पैसा सऊदी अरब से एंगेज कर सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसमें फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर दोनों शामिल हैं, बिग बॉयज भी हैं, मिड साइज प्लेयर्स भी हैं, एसएमईज भी हैं, इनको फैसिलिटेट करना होगा। अच्छा, असद साहब, जब आप लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने की बात करें, तो आप देखें स्टॉक मार्केट जब हमारी ऊपर जा रही है तो उससे लोकल इन्वेस्टर तो हमें फिर भी एक एक इत्मीनान वाली सिचुएशन में नजर आ रहा है कि कम से कम स्टॉक तो परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक मार्केट की ऊपर जाने को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक नहीं करता, ये एक आर्टिफिशियल सिलसिला होता है, ये एक बबल होता है और ये इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज के इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसको आपको, ये जो मैं मेजर्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको मेजर्स लेने होंगे। अगर ये सूरत हाल इतनी अच्छी होती तो क्यों आपकी एफडीआई गिर के 1.8-1.9 बिलियन डॉलर पे चली जाती? आज 8 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 9 अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी एफडीआई आपसे बेहतर हो चुकी है। पूरे रीजन में अगर आप देखें, सेंट्रल एशिया देखें, आप फार ईस्ट देखें, आप मिडिल ईस्ट देखें, आप आसियान देखें, इनमें मेजर जो कंट्रीज हैं उनकी एफडीआई आपसे बेहतर है। और एफडीआई, जैसे मैंने कहा, कि इंडिकेटर होता है कि आपकी मुल्क की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए क्या है। तो अगेन हमें जो पूरा फोकस करना होगा वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे करना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम 6 बिलियन डॉलर ले रहे हैं एक लोन के तौर पे IMF से, मजबूरी है आपकी, और मैं अप्रिशिएट करूंगा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को जो उस चीज को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन क्या IMF हमारा हल है? IMF हमारा हल नहीं है, इससे ज्यादा पैसे आप खुद जनरेट कर सकते हैं। RDA जो रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक की स्कीम थी, उसमें आज की तारीख में 8 बिलियन डॉलर आपने अट्रैक्ट किए चंद हजार पाकिस्तानियों से। ये इस बात का एविडेंस है कि सिर्फ अगर आप पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करें, उनको ट्रस्ट दें, यहाँ पे एक इनेबलिंग एनवायरमेंट बना दें, तो जो सिर्फ आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो आपका लोकल पाकिस्तानी है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता है कि आपको बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो बात यह है, दूसरी, हर FDI अच्छी FDI नहीं होती है, आपको एक्सपोर्ट लेट FDI पे काम करना है। जैसे यहाँ पे डाउलेंस की कंपनी है, उसको टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया, आर्सेलिक ने, आज से 7-8 साल पहले। उन्होंने जितना पैसा अर्न किया वो पाकिस्तान में लगाया, जिस पर उन्होंने एक्वायर किया था 8 साल पहले, उनके R&D में सिर्फ 2 लोग होते थे, आज 100 लोगों का डिपार्टमेंट है। उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनकी 1-2 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी, वो फिर यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगी। तो हमें इस किस्म की
एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की जरूरत है, एक्सपोर्ट लेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है। अस्पर साहब, ये जिन आइडियाज की आप बात कर रहे हैं या जो रिफॉर्म इनिशिएटिव या रिस्ट्रक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं, जो इस 5.5 माह में हुकूमत आपको उस ट्रैक पर नजर आ रही है, क्या इस डायरेक्शन में हुकूमत काम कर रही है? चूंकि औरंगजेब साहब एक रिवायती सियासतदान तो नहीं है, इससे पहले हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स देखे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जिनकी एफिलिएशन होती थी, वो तो एक प्योर टेक्नोक्रेट हैं, तो उनकी इंटेंशन आपको नजर आ रही है इस वक्त ये तमाम मेजर्स लेने के लिए? मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर को इम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो पावर नहीं है, उनको इम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंतहाई इनकॉम्पिटेंट हैं और उनका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है। तो ये इवेलुएट तो लीडरशिप को करना चाहिए ना कि कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, कौन डिलीवर कर रहा है, कौन डिलीवर नहीं कर सकता। तो आप अगर ये ट्रेडिशनल स्टफ से बाहर नहीं निकले, रोड ब्लॉक से आप बाहर नहीं निकले, तो आप वहीं पे खड़े होंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपकी सऊदी, कतर, यूएई से है, जो बाकी कंट्रीज से है, अभी हमने सीपैक फेज टू शुरू किया है, चाइना से पिछले 14 साल में सिर्फ $9 बिलियन की एफडीआई आपके पास आई है, तो नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं। हालांकि जो आपका पोटेंशियल है वो आप 25-20 बिलियन डॉलर वहां से इत्मीनान से निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाले? किसी गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया। तो पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि अगले 20-25 साल की इन्वेस्टमेंट रोड मैप बनाए, रियलिस्टिक रोड मैप बनाए, और उसमें जो जो मेजर्स आपने लेने हैं वो मेजर्स आप लें, तो जाके आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आप कंट्रीज को और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को 8-10 साल, 12 साल की कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी की गारंटी दे सकेंगे, आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेटिस्फाई होगा, और फिर ऑटोमेटिकली जेवीज और कोलैबोरेशन सब शुरू होंगी और एक्सपोर्ट लेट एफडीआई पाकिस्तान में आना शुरू। तो इसका मतलब अस्फर साहब, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट है, ये तो ये उनको सोचने की जरूरत है कि वो किस टीम के साथ काम करें, किन लोगों को आप इंगेज करें, ये चीज आज के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ वाटर, आज है कल वो आपके पास से निकल जाएगी। अस्फर साहब, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए तो आपको पॉलिटिकल माइंडसेट तब्दील करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि जो भी पार्टी आती है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है, अब वो जब 3-4 साल में रैपअप हो जाती है या 5 साल अपने पूरे भी करती है, फिर अगली टर्न किसी और पार्टी की होती है, वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, वो पॉलिसीज खत्म हो जाती हैं, नई पॉलिसीज आ जाती हैं, तो ये पॉलिटिकल माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है, चाहे कोई गवर्नमेंट पार्टी है, कोई अपोजिशन की पार्टी है, सबको अपना एक अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपसे जो बात की ना कि यहाँ पे एक एडहॉकिज्म चलता है, एक फायर फाइटिंग चलती है, इसका मतलब मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ ओपन अल्फाज में कि इमरान खान का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, शरीफ का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है, और मिलिट्री का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान है। सही, दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कंटिन्यूशन नहीं है, ये हर गवर्नमेंट का अपना किबला काबा है, हर इदारे का अपना किबला काबा है, दुनिया में इस तरह से नहीं होता। आप कोई स्मॉल यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री नहीं है, आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है विद द पॉपुलेशन ऑफ 25 करोड़, जो 2047 में जब हम 100 ईयर्स की होंगे ये 40 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। इस मुल्क के लिए कंट्री स्ट्रैटेजी की जरूरत है, इस मुल्क के लिए उसके बाद हर हर शोबे की स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हमारे यहाँ 6-10 महीने की प्लानिंग होती है, बाद 3-4 महीने से आगे हम देख नहीं पाते। बातें बहुत होती हैं, स्लोगन्स बहुत होते हैं, बयान बहुत आते हैं, क्लेम्स बहुत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट में यही जरूरत हाल चल रही है, इसमें आपको एड्रेस करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है, हमारी लोकेशन आइडियल है, लेकिन सिर्फ ये बोलने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक आप वो मेजर्स नहीं लेंगे जो आपको लेने हैं, जब तक आप फेवरेटिज्म खत्म नहीं करेंगे, जब तक आपके वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे, आप यहाँ पर कॉम्पिटेंट टीम्स नहीं बिठा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हर गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक वेस्टेड इंटरेस्ट की फजा चलती है उससे पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल का शिकार है, डिस्पाइट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ऑल दी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहान तआला जो पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन आई थिंक हम सबको एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर और मिलिट्री लीडरशिप ये मिलके एक पाकिस्तान के लिए काम करें, एक चार्टर फॉर बिजनेस लेकर आए, उसको पार्लियामेंट से और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से वेट कराएं, ताकि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी के तब्दील होने से आपकी पॉलिसी और आपकी डायरेक्शन और आपका रोड मैप तब्दील ना हो। हमें एक पाकिस्तान, एक वन वॉइस पे, एक विजन पे और एक सर्टेन टारगेट पे काम करना होगा।
तो जाके हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर कर सकेंगे, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ सकेंगे और हम वो सारे मेजर्स ले सकेंगे जो पाकिस्तान को की जरूरत है। और अफसर, अगर ये ईमानदारी से अगर ये कोशिश आज ही शुरू की जाए बिल्कुल रियलिस्टिक होकर दयानतदारी से, तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर लेकर आई जाए तो ये कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज को रिजोल्व करने में? अगले 4-5 साल फिर पाकिस्तान ये इसी तरह से इन चैलेंजेस का सामना करता रहेगा अगर ये 100% आपकी इस पॉलिसी को, सजेशन को इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाए तो भी? देखिए, जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो बिल्कुल मैनेजेबल, उनका रेजोल्यूशन पॉसिबल है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। आज अगर आप फंडामेंटल्स को सही करना शुरू करते हैं, फाउंडेशन सेट करते हैं और आप ये एडहॉकिज्म और फायर फाइटिंग से बाहर आते हैं और वो काम करते हैं जिसकी जरूरत है, मैं समझता हूँ 1 से 2 साल में चीजें बेहतरी तरफ जाना शुरू होंगी, 3 से 4 साल में इंप्रूव होंगी और फिर इस तरह से हर गुजरते साल के साथ आप एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आना शुरू होंगे। 8 से 10 साल आपको चाहिए जब आप एक प्रॉस्परस पाकिस्तान यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है, मैं आपसे कोई लफाजी नहीं कर रहा, मैं डाटा की बेस पे आपसे बात कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल है, लेकिन इसके लिए हमें किबला काबस नहीं करना होगा, इसके लिए हमें फेवरेटिज्म का खेल खत्म करना होगा, इसके लिए हमें वेस्टेड इंटरेस्ट को अपने खत्म करना होगा, हमें हर इदारे में हर मिनिस्ट्री में कॉम्पिटेंट टीम्स बिठानी होंगी और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, वो एक इंगेजमेंट के थ्रू काम करे। कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इदारा आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री। ठीक है, और सर साहब एक आखिरी सवाल कि आप तो चूंकि इन्वेस्टमेंट बोर्ड को आप हेड करते रहे, दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सऊदी अरब या यूएई से हटकर, चाइना से हटकर भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, आपकी पोजीशन खराब होती जा रही है, आपका परसेप्शन बिगड़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी दिलों में तेल है। अच्छा। और हम अगर एक यूनिफाइड अप्रोच से, एक वन गवर्नमेंट अप्रोच से काम करें, एक लॉन्ग टर्म में काम करें, तो हम बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज भी इन्वेस्टर पाकिस्तान की तरफ देखता है, जो डेटा आपका है, जो आपकी ओवरऑल लोकेशन है, जो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज है, मैं समझता हूं कि किसी भी दुनिया के इन्वेस्टर के लिए, किसी भी दुनिया की कंट्री के लिए पाकिस्तान इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टिंग डेस्टिनेशन। बट इसके सिर्फ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उसको इनिशिएट नहीं करेंगे और उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। दुनिया की हर कंट्री से आप यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज भी इन्वेस्टर यहाँ पर आता है, वो वापस उस वक्त नहीं आता जब उसको आप चीजों को फाइनलाइज नहीं करते, उसको रेडी प्रोडक्ट्स नहीं देते और फिर जो एनवायरमेंट वो देखता है उसके बाद वो मिस्ट्रस्ट उसका और बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, ये भी बड़ा गलत फलसफा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान स्टिल इज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपसे बातें बताई हैं, सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिस दिन ये सेटिस्फाई हो गया, आपकी जेवीज, कोलैबोरेशन, एफडीआई, ये सब कुछ ऑटो पे चलनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस, इसको ऑर्गेनिक लेवल पे चलने दें, ये कॉस्मेटिक सर्जरी से और रोजी पिक्चर दिखाने से काम नहीं होगा। फिर मैं एक और बात आपसे करता हूं, मैं ये समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग आपको मिनिस्ट्रीज में इंपॉल्व कर देते हैं। अच्छा। ये जो कॉन्सेप्ट चला है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी ग्लोबल फंड को दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक ग्लोबल फंड को दे दिया, इससे आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे, आप बिलियंस ऑफ रुपीज जाया कर देंगे। ये आपको अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के देंगे, सब कुछ करके देंगे, बट इसको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों पेपर्स आपके पास मौजूद है, तो अपना जो लोकल टैलेंट है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के अच्छे लोग हैं, उनको एंगेज करें, उनको मिनिस्ट्रीज में बिठाएं, उनको इदारों में बिठाएं, इन इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग करें, केपीआईज बनाएं, इनकी पूरी एक एचआर पॉलिसी बनाएं, आपकी चीजें खुद चलनी शुरू होंगी। मैंने आपको एक एविडेंस दिया है, आरडीए का जो स्टेट बैंक का है, $8 बिलियन 6,000 पाकिस्तानियों ने डिपॉजिट किया हुआ है, ये आपका पोटेंशियल है। दुबई में $9 बिलियन प्लस आपके पाकिस्तानियों के लगे हुए हैं, इसके मतलब है विद इन पाकिस्तान अगर आप देखें, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में देर है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम बहुत इत्मीनान से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपना किबला काबा सही करने की जरूरत है, हर बात का जवाब इसी पे आके रुकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच असफर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर सरमाकारी हमारे साथ मौजूद।